अरे तुम तो अपना दामन झाड़कर आजाद हो गई। अपनी इज्जत संभालने के चक्कर में तुमने मेरे शौहर की इज्जत दांव पर लगा दी। मेरी माँ के सामने मेरे शौहर को जलील किया और वो गुस्से में मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। और किस किस को जलील करोगी तुम? I'm sorry. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काबिल ही नहीं रही। तुम उसके काबिल बनने के चक्कर में हम सबकी नजरों में मुकाम खो चुके हो। ठीक कह रही हो तुम, बल्कि तुम जैसी लड़कियों का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं होता। और एक बात और, कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि सानिया आप ही भी इस घर में रहती हैं, कहीं मेरे साथ साथ उनकी भी तलाक ना हो जाए। मैं अपना खर्चा खुद ही उठाऊंगा, लेकिन हानिया का खर्चा अब आपको ही उठाना होगा। मेरे घर में अब उसकी कोई जगह नहीं। क्या जरूरत थी इनसे उलझने की? आप उनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी इस जेब बहस में आके उसने मुझे तलाक दे दी तो क्या होगा? कुछ सोचा है आपने? हाँ हाँ भेज दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अम्मा। मैं दो दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ मगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। खैरियत तो है? आई एम रियली सॉरी अम्माद, लेकिन मैं काफी प्री ऑक्यूपाइड थी। मैं क्या बात है अम्मी, आप तो डिस्टर्ब लग रही है। मानूर इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ वो तो मसला नहीं है, प्रॉब्लम हानिया और फरहान की है। अरे अम्मी, फरहान तो वो हड्डी है, ना उसे उगला जा सकता है ना ही निगला जा सकता है। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना आपके साथ। जैसे महानूर और वानिया मेरी बहन है, उसी तरह हानिया भी मेरी बहन है। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूं। जीते रहो, खुश रहो। मैंने चाय नहीं पी अभी तक, चाय पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा। दो चाय और सैंडविचेस। और क्या नेताजी कौन? मैं अभी बस आ रहा था। वो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का? उसका वो जो तुम्हारा चल रहा था बिल्डर के साथ, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं दानिश से मिलूं। मानो तुम अब मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता कि तुम दानिश से जाके मिलो। तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? दो लोगों के सामने निकाह करके तुम पूरी दुनिया के सामने हक जताना चाहते हो? हाँ तो ठीक है ना, छुपाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी मुश्किलात बढ़ेंगी, सच बता देते हैं सबको। नहीं बता सकती, नहीं मुझ में इतनी हिम्मत। अच्छा तो निकाह पे निकाह करने की हिम्मत है तुम्हें मानूर? बताओ तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? तो तुम क्या करने जा रही हो? दानी से मिलने जा रही हो, वो मंगनी करेगा और उसके बाद शादी की धूमधाम से तैयारियां होंगी। मुझे सब पता है मानूर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत करके ना एक ही दफा इनकार कर दो। नहीं कर सकती आलिया, मेरे और दानिश के रिश्ते से पहले एक और रिश्ता जुड़ा है और वो है सानिया आपी का। अगर उनका भरम टूट गया ना तो माँ भाई कभी भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम उससे नहीं मिलोगी।
तो नहीं मिलूंगी। तुम कितने पजेसिव हो। तुम मेरी बात से इनकार कर रही हो। मैं इनकार नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी।